करीब 21 सालों से लगातार सिलाई क्राफ्ट का काम कर रही महिलाओं को नियमित करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाए जाने पर सिलाई क्राफ्ट अध्यापिका संघ ने ऐतराज जताया है। हमीरपुर सिलाई क्राफ्ट अध्यापिका संघ की दर्जनों सदस्यों ने एकत्रित होकर डीसी हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर जल समस्या का हल करने की गुहार लगाई है। साथ ही पंचायत सचिवों के रिक्त पड़े पदों पर बिना इंटरव्यू के विभागीय पदोन्नति देने की मांग की है। सिलाई क्राफ्ट अध्यापिका संघ पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश की सिलाई अध्यापिकाओं ने उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपना मांग पत्र भेजा। सिलाई अध्यापिकाओं के संघ ने मांग की है कि विभाग में रिक्त पड़े पंचायत सचिवों के सभी पदों पर सिलाई अध्यापिकाओं की बिना इंटरव्यू लिए विभागीय पदोन्नति दी जाए। अध्यापिकाएं पिछले 21 वर्षों से विभाग में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जिला हमीरपुर के नदौन बडोली ब्लॉक की प्रधान सीमा देवी ने बताया कि वे 21 वर्ष से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और अभी तक नियमित ठोस नीति उनके लिए नहीं बनाई गई है, जिसके चलते आज सिलाई अध्यापिकाओं ने उपायुक्त हमीरपुर से मिलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है, जिसमें सिलाई अध्यापिकाओं को नियमित करने की मांग की गई है। हम पिछले 18 तारीख को शिमला में गए थे और मुख्यमंत्री जी से मिले थे और डायरेक्टर साहब से भी मिले थे। हमारी उनसे भी भेंट हुई, हमने वहाँ पे भी ज्ञापन दिया और पंचायती राज मंत्री जी से भी मिले। हम सभी यही चाहते हैं सिलाई अध्यापिकाएं कि हम 10 से 5 बजे तक पंचायतों में पंचायत सहायिकाओं का काम कार्य कर रही हैं और हमें जल्द से जल्द हमारे लिए मतलब अभी 305 जो निकले हैं पंचायत सचिवों के, उसमें हमारे जैसे सभी अध्यापिकाओं को बिना साक्षात्कार के पदोन्नति दी जाए। जिला हमीरपुर के मैड़ ब्लॉक के सचिव प्रवीण कुमारी ने बताया कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से भी मिले हैं, लेकिन आज तक सिलाई अध्यापिकाओं की मांग को नहीं माना गया है। हमीरपुर की बिजली ब्लॉक की प्रधान अंजना देवी ने बताया कि वर्तमान में सिलाई अध्यापिकाएं सिलाई सिखाने के साथ साथ पंचायत सहायकों का काम भी कर रही हैं, इसके बावजूद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने आज उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर उन्हें नियमित करने की मांग की है। अंजना देवी बिजड़ ब्लॉक प्रधान आज डीसी ऑफिस में ऋचा शर्मा जी से मिलने आए। हमारी मांग है कि हमें स्थायी नियुक्ति दी जाए, जिसके लिए हमने पहले भी काफी इससे पहले हमने मंत्रियों से मिले, अभी 29 तारीख को बिजड़ ब्लॉक में हम वीरेंद्र कंवर जी से भी मिले हैं। उनके पास भी हमने यही डिमांड रखी है कि हमें स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए। जो पंचायतों में सचिवों के 300 पद निकल रहे हैं, उनमें सभी सिलाई टीचरों को नियुक्त किया जाए। तो अगर आपको पूरे ऑल हिमाचल में सिलाई टीचरें जो है संघर्ष करेंगी और जितना हमसे हो सकेगा उतना हम इसका विरोध भी करेंगे। सिलाई राज मंत्री ने हमारे को आश्वासन भी दिया कि आपका काम जल्दी से जल्दी हम आपके लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं, आपके लिए नीति बना रहे हैं और विधानसभा दिसंबर में बैठेगी उस वक्त आपके लिए सोचेंगे। तो हम डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारे को नियमित किया जाए सभी सिलाई टीचरों को उनके माध्यम से हम ये आज ज्ञापन देंगे।